जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। चल चल रिमझिम जल्दी कर। हाँ। शक्कर कितने चम्मच? वो अलग से कटोरी में ले ले, जिसको जितनी चाहिए उतनी डाल लेंगे। नमस्ते प्रिया दीदी। नमस्ते। लाइए मैं करती थी। तो इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई? तेरी माँ तो अस्पताल में है ना? हाँ वो आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो उन्हें घर पहुंचा के मैं यहाँ आ गई। पहला दिन है काम का। सच बताइए, आपको डर था ना कि हम हमारा फैसला कहीं बदल ना दे? हाँ ये भी एक वजह है, इसलिए सोचा जल्द से जल्द काम शुरू कर दूं। तू फिक्र बिल्कुल ना कर, इसे अपना ही घर समझ, तुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ठीक बताइए क्या काम करते हो? तो पहले जाके थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ खेल ले। ओ जा खेला थोड़ी देर खेला। उससे मैं बाद में मिलूंगी, और वैसे भी गट्टू जी हैं तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। आप तो जानती हैं कि गट्टू जी अपनी गट्टू की से कितना प्यार करते हैं। बड़ी किस्मत वाली है मेरी बेटी जो उसे इतना प्यार करने वाला घर मिला। उससे मैं बाद में मिलूंगी, आप मुझे काम बताइए ना दीदी। सुबह का चाय नाश्ता तो हम बना चुके हैं, तुझे शुरू करना है ना तो दोपहर के खाने के लिए सब्जियां काटना शुरू कर दे। हाँ ठीक है। ज्यादा बड़े और ज्यादा छोटे पीस मत काटना, वरना साइज के हिसाब से मोटा भाई की शुरू हो जाएगी। ये चल चल पहले बच्चों को नाश्ता दे आते हैं। हाँ। बच्चों नाश्ता रेडी है। दीदी इस चाकू में धार नहीं है, मुझे धार वाला चाकू चाहिए। भाभी पिछले हफ्ते ही अखबार में एक किस्सा छपा था, ऐसी एक दुखियारी को काम पे रखा था, मौका मिलते ही मालिक और मालकिन का खून कर दिया। बड़ी रे, मालिक को छुरे से मार डाला। इस चाकू में धार नहीं है, मुझे धार वाला चाकू चाहिए। चाकू को नीचे रख, रख दे। पर क्यों? तुझे तेरी माँ की कसम है, तू रख दे चाकू, ये सब्जी मैं काट लूँ। लेकिन दीदी, गुड़िया दीदी ने कहा कि सब्जी मैं काट कर रखूँ। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? हाँ? चाकू रख दे कहा ना रेखा, रख चाकू। पर दीदी कान्हा जी बाल बाल बचे खूनी से। प्रवीण भाई। हाँ प्रवीण भाई। अरे अरे जल्दी आइए ना। अरे क्या बात है, बार बार चिल्लाती है। जब तुझे वीजा पेपर्स मिले थे तब भी ऐसे चिल्लाई थी तू। देख बार बार चिल्लाएगी ना तो जरूरत पड़ने पर कोई नहीं आएगा। आएंगे, मैं चिल्लाऊंगी ना तो सब आएंगे। हाँ हाँ बोलना क्या बात है। बिरजू से मेरी बात हो गई, उसका फोन खराब था इसलिए नहीं लग रहा था। प्रवीण भाई अब मुद्दे पे आना, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है? पर क्या? देखा वो बाथरूम में ना चट अजय आप सब्जी क्यों काट रही हैं? ये काम तो मैंने रेखा को सौंपा था। रेखा कहाँ है? होगी यही कहीं, कोई दूसरा काम ढूंढ रही होगी। कोई दूसरा काम ढूंढ रही होगी मतलब? ऐसा थोड़ी होता है, उसकी मर्जी थोड़ी ही चलेगी। उसकी मर्जी चलने भी नहीं देनी चाहिए गुड़िया। हाँ सही कह रहे हो, पर जाए देखा और मोटा भाई है ना, मोटा भाई जब भी ऑफिस में से आते हैं ना और बहुत खुश होते हैं ना, बहुत ज्यादा पॉलिसी बेची होते हैं ना, तो वो कैसे चलते मालूम है? ये देखो ऐसे लीला लीला तो लीला आई बाबा आई।
ये फ्रूट बच्चों को बांट देना। अच्छा और मोटा भाई को जब भी बॉस ने डांटा होता है ना तभी कैसे आता है मालूम है? लीला, लीला। आई बाबा आई। ये फ्रूट बच्चों को बांट दो। ठीक है। रेखा, मैंने तुझे सब्जी काटने के लिए कहा था ना? हाँ जी, वो क्या? आते ही काम चोरी शुरू कर दी? हाँ? नहीं नहीं, दीद वो मीनाक्षी दीदी ने जबरदस्ती मुझसे काम ले लिया। अरे वो बेचारी तो भोली है। किसी के घर मेहमान बनकर जाती है ना, तो वहाँ के बावर्ची से भी कहती है कि मैं गरीब घर की हूँ, मैं कर लेती हूँ, अब बैठ जाओ। वो उसने वो काम तेरे से ले लिया तो कुछ और कर लेती, वो कपड़े धोने बैठ जाती। मैं गई थी कपड़े धोने, लेकिन बाथरूम में कोई और था तो मैंने सोचा कि गट्टू की के साथ थोड़ी देर। बच्ची के साथ खेलने के लिए मैंने मना नहीं किया है तुझे, लेकिन तूने अच्छी बन के कहा था ना कि पहले काम। बाथरूम में कोई है, मीनाक्षी परजाई ने काम करने नहीं दिया, ये सारे बहाने मेरे साथ तो नहीं चलेंगे। चल कपड़े धो। अरे रुकना, अभी बाकी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। बाय ना ऐसे ऐसी। ओ गट्टू भाई, बाकी एक्टिंग खुद बाय करके दिखा देंगी। वो तू खड़ी क्यों है? गट्टू की फ्रूट खाएगी? फ्रूट खाएगी तू? लॉटरी लेने अमेरिका कब गया था? और एक लॉटरी लेने के लिए तूने आने जाने में 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए? मोटा भाई, आप तो ना सर देखते ना धड़, बात की पूछ कहाँ है ये ढूंढते रहते हैं। अरे मोटा भाई, अमेरिकन लॉटरी मतलब बिरजू का एक दोस्त अमेरिका में साड़ी की नई दुकान खोल रहा है। उसके लिए मुझे 4 दिन में मेरी डिजाइन की हुई साड़ियों का कैटलॉग भेजना है फोटोग्राफ्स के साथ, और अगर उसे वो पसंद आ गया ना तो उसकी दुकान में एक अलग सेक्शन होगा प्रवीण क्रिएशंस की साड़ियाँ। अरे वाह सुबोध, अगर ऐसा हुआ ना मोटा भाई तो हर महीने कम से कम 100 साड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी। ओहो, और पैसे डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में। प्रवीण भाई मुबारक हो। अभी नहीं, मेरा कैटलॉग उन्हें पसंद आने के बाद बोलना। मोटा भाई सुबोध, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर है, मुझे पूरा प्रोफेशनल कैटलॉग तैयार करना है, मॉडल्स को साड़ी पहना के प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटोग्राफ खिंचवानी, और इसमें मुझे तुम सब की मदद चाहिए। अरे लेकिन प्रवीण जरा सोच, हम सब साड़ी पहनेंगे तो कैसे दिखेंगे? अरे मैंने कहा था ना सीधे पूछ पकड़ने बैठ जाते हैं। अरे मोटा भाई, मदद करनी है मतलब आपको मॉडल नहीं बनना है, मॉडल्स ढूंढने में मेरी मदद करनी है। अच्छा प्रवीण, इच्छा कैसी रहेगी? इच्छा अच्छी रहेगी, लेकिन फिर आपकी हालत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जब लीला भाभी को पता चल जाएगा कि इच्छा का सुझाव आप ही ने दिया है तो। नहीं, सच बोलूं तो इच्छा तो मेरी भी यही है कि इच्छा ही मॉडल बने, लेकिन फिर घर की सारी भाभियां नाराज हो जाएंगी ना। प्रवीण भाई आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास कुछ मॉडल्स के नंबर हैं, मैं उनके नंबर्स आपको दे देता हूँ, आप फोन कर लेना। अरे तो अभी देना, सिर्फ 4 दिन में सब रेडी करना है। हे भगवान, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है जो मैंने अभी अभी देखा है, इसे सच कर देना भगवान। मानव, ओ मानव कहाँ चला गया तू? मानव, ओ मानव। दीदी आप गुड़िया दीदी को समझाइए ना, उन्हें लगता है कि मैंने आपको सब्जी काटने के लिए दी थी, पर ऐसा नहीं था ना। मालकिन को बैट से मार डाला। यक्षी की बच्ची, तूने मेरी शिकायत की गुड़िया से? सब्जी तो तूने ही ली थी ना मुझसे काटने के लिए। उस वक्त चाकू से तो बच गई, लेकिन अब इस धोखे
हाथी से बचकर कहाँ जाएगी? हाँ अब तो गई, ले मर। क्या हुआ? कपड़े तो ना बाकी है दीदी। वो मैं धो लूंगी, तू धो कर रख। गुड़िया दीदी ने देख लिया तो फिर से ऐसी चलेगी, बहस करेगी ना तो घर से बाहर जाएगी ऐसे ऐसे करके। हाँ। नहीं नहीं मेहरबानी कीजिए मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं लीजिए आप कपड़े धो लीजिए। मैं बारी खावा, वो तू तो कमाल है, मैंने इतनी बेशरम और डीट भाई ना आज तक नहीं देखी है। मुझे गलत समझ रही थी। वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने होने के बाद भी तो कह रही है कि मैंने गलतफहमी हुई है। वो अभी तूने मेरे सामने ही तो कहा वो आप कपड़े धोइए और परजाई तुसी भी खुशी खुशी बैठ गए कपड़े धोने। इसी में ही सबकी भलाई है गुड़िया। वो तंबूरा सबकी भलाई है। वो चलो महारानी, वो तू निकल यहाँ से अपना बुढ़िया बिस्तर घुल कर। नहीं नहीं दीदी ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा ना तेरी जरूरत नहीं है, चल जाए यहाँ से। ऐसी काम वाली बाई ना खूनी होती है, खूनी जो चाकू और बेड से खून करती है। तो मैंने ना काम के बहाने उससे चाकू और बेड के रूप में ये धोखा दोनों छीन लिया उससे। कब समझेगी दुनियादारी? जी आप दुनियादारी में ना किसी की दुनिया उजड़ जाती। और रेखा रुक, मीनाक्षी तो एक नंबर की सैंपल है सैंपल। बेबी बेन की बात को सीरियसली ले लिया। और गुड़िया तू तो मीनाक्षी से भी बड़ी सैंपल निकली। हाँ बिना कुछ सोचे समझे जा जा तू घर से निकल। सच में हर बात क्लियर करती हूँ, बस यही क्लियर करना रह गया। सच में मैं बहुत बड़ी नमूनी हूँ। सिर्फ तू और मीनाक्षी ही नहीं गुड़िया, तुम चारों की चारों बहू महान नमूनी हो। क्यों बा? प्रवीण की साड़ियों के कैटलॉग के लिए अगर कोई बाहर से मॉडल आती ना तो मैं ये नहीं कहती, लेकिन मॉडल कौन बन रहा है पता है? वो इच्छाधारी नागिन इच्छा बेन? नहीं नहीं, अगर इच्छा होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लीला क्या बा, आपको किसी के मॉडल बनने से प्रॉब्लम है? कौन हो सकता है वो? तुषार। वो तुषार प्यारी चारू वाले में? चारू वाला मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने बताया। वाह वाह वाह, तुसी तो महान हो। और कोई सास पहले अपनी बेटी का भला सोचती, पर आप? मैं ये नहीं चाहती कि चारू वाला मॉडलिंग नहीं करे, तुम लोगों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। हाँ फिर जो बेस्ट हो वो बाजी ले जाए। हाँ अब समझे सब? प्रवीण भाई जो नारायण नारायण करते करते इधर की बात उधर करते हैं, वो यहाँ से ही आया है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। हाँ हाँ बा मैं जानती हूँ आपको लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। मेरी बुराई बाद में करना, पहले सोचो क्या करोगे तुम लोग। चारू बाला ने तो प्रवीण को मॉडलिंग के लिए मना लिया है। तुम लोग मीनाक्षी को डब्बू कहते कहते खुद डब्बू बन जाओगे। जब कैटलॉग तैयार हो जाएगा और मॉडल होगी चारू बाला, बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे अमेरिका में।
चारू बाला के। लीला तू कभी अमेरिका नहीं गई ना, अब तेरे पोस्टर भी नहीं जाएंगे, कुछ करो। अभी तो अकेली मीनाक्षी रो रही है, कल को तुम तीनों भी साथ बैठकर रोओगी।